यूं तो बाढ़ प्रत्येक वर्ष बिहार को बर्बाद करके चला जाता है, किंतु इस दफे बिहार के 20 जिले पूरी तरह बाढ़ की मार झेल रहा है। उत्तर बिहार का नजारा तो और भी भयानक है, जहां लोग घरों से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। गंगा तट के किनारे बसा सभी गांव मिट्टी कटाव के कारण जलमग्न हो गया है। ऐसे में सरकार के तमाम विधि व्यवस्था धरी की धरी रह गई है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को बाढ़ ग्रस्त इलाकों से निकाल रही है। वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी इस बार फिर वादे के मुताबिक लोगों की सूद लेने अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जबकि पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष मनीष में बंद कर रखा गया है। सुशील मोदी के घर के बाहर विरोध कर रहे जन अधिकार छात्र परिषद के अध्यक्ष विशाल कुमार सहित महासचिव विनय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में सुशासन बाबू के विधि व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा होता है। एक तो खुद बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर पहल नहीं किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें भी जबरन गिरफ्तार करवा देना, यह कहां का इंसाफ है। यहां पर करवाया गई तो सब सोचते घेराव करने के लिए, यहां घेराव करने की जगह नहीं है, और जिसमें से कुछ असामाजिक तत्व के लोग थे तो दो के हिरासत में लेकर के हम लोग थाना भेजे हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी। उसको यादव छासंग अध्यक्ष है, उस पर 302 का मुकदमा लगाकर इन लोगों ने जेल में बंद कर दिया है। पॉलिटिकल मोटिवेटेड कार्रवाई है। सुशील मोदी जी, बाढ़ आ गया, 5 दिन पटना से बाहर नहीं निकले, पूरा बिहार उधर बाढ़ में हुआ है, क्यों नहीं बाहर निकलते हैं? उप मुख्यमंत्री अपने घर के बने हुए हैं, उप मुख्यमंत्री इस बिहार के भी है। हम जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विशाल कुमार है, हम लोगों की डिमांड है मनीष यादव को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और सुशील मोदी जी और तमाम लोग जो नेता है बाढ़ का जाकर दौरा करें। हालात बहुत दयनीय हो चुका है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं घोषित किया जा रहा है। अब जब 302 का मुकदमा था तो छात्र संघ चुनाव कैसे लड़ लिया मनीष, ये सोचने की बात है। 302 का मुकदमा में कैसे छात्र संघ चुनाव लड़ लिया, हम ये सवाल प्रशासन से पूछ रहे थे। उस वक्त प्रशासन कहाँ थी जब 302 का मुकदमा था और छात्र संघ चुनाव लड़ रहा था? इसका मतलब फंसाया जा रहा है।